अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज से हमने एक न्यू सेशन स्टार्ट किया है जो 8 सितंबर को पेपर हो रहा है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, इंस्पेक्टर का, 16 ग्रेड का। तो उसके कुछ पास्ट पेपर मैंने कंपाइल किए हैं, इकट्ठे किए हैं मैंने, तो उनको हम डेली डिस्कस किया करेंगे। डेली के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे, उसकी तफसील बताया करेंगे आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी टच किया करेंगे ताकि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये इसका बकायदा पूरा सेशन होगा तकरीबन 6 से 7 डेज का। तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जीके भी डिस्कस करेंगे, फंक्शन अफेयर भी डिस्कस करेंगे, इस्लामियत भी होगी इंशाल्लाह, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी होंगे, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी होंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये 2018 का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का। सो पहला क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नाउन एज डिस्पर्शन। सो जब एक प्रिज्म रखा जाए तो उसमें से लाइट गुजारी जाए तो वो जब अपने डिफरेंट कलर में कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट फीमेल गवर्नर जनरल ऑफ द सिंध। सो सिंध के जो सबसे पहली फीमेल फर्स्ट गवर्नर थी वो कौन थी? तो बेसिकली थी वो बेगम राना लियाकत अली थी, जो 1973 से लेकर 1976 तक थी। ये बेसिकली जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर था, उस वक्त ये पहले गवर्नर जनरल थी सिंध की। तो बेगम राना लियाकत अली थी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द नंबर ऑफ सीरीज 11 13 17 19 23 29 31 37 41 और सो ऑन। नेक्स्ट आपका जो आंसर आएगा 43 आएगा। 43 कैसे आएगा? ये बेसिकली प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर होते हैं जो एक पर डिवाइड हो या फिर अपने आप पर डिवाइड हो। सो नेक्स्ट नंबर आपका 43 है। 43 ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ एक पर डिवाइड होगा या फिर अपने आप पर डिवाइड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? वो बेसिकली सीपीयू है। सीपीयू का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका भी आंसर सीपीयू ही होगा। तो सीपीयू के फर्दर पार्ट्स होते हैं एएलयू और सीयू। ये आप मजीद इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, पाकिस्तान एक्सप्लोडेड एन एटॉमिक बम ऑन। पाकिस्तान ने एटॉमिक बम कब एक्सप्लोड किए? तो किए थे 28 मई 1998 को किए थे, चांगी डिस्ट्रिक्ट में किए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में किए थे? तो चांगी डिस्ट्रिक्ट में किए थे। और कितने किए थे? 5 उन्होंने बम एक्सप्लोड किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के 30 मई को उन्होंने फिर बम एक्सप्लोड किए थे, चांगी डिस्ट्रिक्ट में किए थे वो भी। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिक्स मेंबर कंट्री। सो एक कौन सा कंट्री है जो कि ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? वो बेसिकली बेल्जियम है। तो ब्रिक्स में 5 कंट्रीज इंक्लूड है, उनमें एक ब्राज़ील है और एक उनमें रशिया है, इंडिया है, चाइना है और रूस है। ये 5 कंट्री जो है वो ब्रिक्स के मेंबर हैं और बेल्जियम ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स इज कास्ट बाय। सो रिकेट्स एक बीमारी है, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे रिकेट्स की डिजीज होती है। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो इंसान की बॉडी इसको खुद प्रिपेयर करती है। ये कोई बाहर से विटामिन नहीं हम लेते इसको, ना वेजिटेबल से ना कि और सोर्स से। ये हमारी बॉडी खुद इसको प्रिपेयर करती है। कैसे प्रिपेयर करती है? जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो सूरज की रोशनी हमारी बॉडी में पड़ती है, तो ये विटामिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास,
जनरल कमर जवेद बाजवा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिलोंग टू डैश रेजिमेंट। तो आपको पता है जनरल कमर जवेद बाजवा हमारे चीफ ऑफ आर्मी थे, तो वो कौन सी रेजिमेंट से थे, वो बलोच रेजिमेंट से थे, यानी उनका ताल्लुक बलोच से था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस्सा सोनी महिवाल रिटन बाई। सो सोनी महिवाल जो किस्सा था वो किसने लिखा था, वो लिखा था फजल शाह ने, ठीक है। आपको बताया जो सस्ती पुनू था वो लिखा है हाशिम शाह ने, और जो हीर रांझा था वो लिखा है वारिस शाह ने, और जो किस्सा सोनी महिवाल है वो लिखा है फजल शाह ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ था 2018 के एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पेपर में। नेक्स्ट है तरबेला डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द विच रिवर। तो जो तरबेला डैम है वो कौन से रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो बेसिकली इंडस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, और 1976 में ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, सोबाई डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, सॉरी सवाबी डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। सो ये तीन क्वेश्चन आपके बन गए, कौन से रिवर पर है, इंडस रिवर पर है, कब किया है 1976 में, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया है, सवाबी डिस्ट्रिक्ट में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड इन द पाकिस्तान। तो कह रहा है कौन सी डिजीज है जो पाकिस्तान से इरेडिकेटेड हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो वो है बेसिकली स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर। सो कौन सा एलिमेंट है जो मोस्ट अबंडेंट है आपके अर्थ एटमोसफेयर में, सो उसका आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल्स विच रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स, ठीक है। आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो बेसिकली जाते हैं आपके किडनी के पास, वो किडनी उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर वो ब्लड जाते हैं आपके हार्ट के पास, ठीक है। इस तरह ये पूरा सर्कल चलता है, और जो ब्लड वेसल्स जो वापस हार्ट तक लेके आती है वो बेसिकली वेन्स लेके आती है, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा वो वाला, तो जो हमारे किडनी है वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, और बाद में फिर हमारे हार्ट को वापस रिटर्न करती है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, तो इसका सिनोनिम होगा ब्लेम, ब्लेम देना, ठीक है। तो ये थोड़ा इंग्लिश के क्वेश्चन भी हो गया है। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो कम टू इंडिया एज अ विसराय इन अ विच ईयर। जो लॉर्ड मिंटो था, इंडिया का जो विसराय था, वो किस साल में आया था इंडिया में, वो आया था 1905 में। 1905 में जो ये इंडिया में आया था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके आने की क्या वजह थी, इन्होंने आके तकसीम बंगाल शुरू कर दी थी, ठीक है, बंगाल को तकसीम करना शुरू कर दिया था, तो इसलिए ये विसराय इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ इज रिटन बाय। जो मैकबेथ एक बुक है वो किसने लिखी है, वो बेसिकली शेक्सपियर ने किताब लिखी है, वो मैकबेथ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के हमारे ये 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट मज़ीद और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। और इसके अलावा नीचे व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक नीचे दे दूँगा, वो आप ज्वाइन करें, तो उसमें डेली नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स वगैरह डेली वीडियो के लिंक दिए जाते हैं, वो आप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।